दोस्त, यदि आप एटीएम से कैश निकालने जा रहे हैं और आपके यहाँ से एटीएम 5 से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो गैस इस तरह आप अपना कीमती समय लेके जो कि एटीएम जाते हैं कैश निकालने, और पता चलता है कि वो एटीएम जो कि बंद था या वो बंद हो चुका है, तो ऐसे में आपका कीमती समय जो कि वेस्ट होता है और आपका काम भी नहीं हो पाता। लेकिन ये कैसा रहेगा कि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप घर बैठे ही गैस आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से जान सकते हैं कि वो एटीएम अभी चालू है या बंद। हाँ गैस, आपने सही सुना। अब आप बोलेंगे ये कैसे, तो बिल्कुल से गैस ये हो सकता है। इसके लिए आपकी इस वीडियो क्लास तक देख लेना है। अगर आप इस वीडियो क्लास तक देख लेते हैं तो आप 100% ये जान सकते हैं कि आप जिस एटीएम पे जा रहे हैं क्या वो एटीएम चालू है या नहीं। ये जानकारी आप अपने एंड्रॉइड फोन से ही देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम काश, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चैनल पर दोस्तों पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन बिल्कुल जो प्रेस करेगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके और यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको एटीएम की लोकेशन, जो कि बात ये हो रही है कि हम एटीएम पे कैश निकालने जो कि जाना चाहते हैं और आपको पता नहीं कि आपके क्षेत्र का जो आपके सिटी का एटीएम कितने बजे बंद हो जाता है, क्या उसमें कैश होंगे या नहीं, ये चालू या नहीं, तो वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के ज़रिए मिलने वाली है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करना आपके फ़ोन पे, जो कि एक एप्लीकेशन ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल होगा जिसका नाम है गूगल मैप। तो आपको इस ऐप को ओपन करना है। अब जैसे आप गूगल मैप ओपन करोगे तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पे आपके क्षेत्र का जो भी है, जैसे कि आप कानपुर या दिल्ली, मुंबई और जिस भी स्टेट से हैं, आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ से टाइप करता हूँ, मुझे फतेहपुर एटीएम का जो कि लोकेशन जानना, डिटेल जानना, तो मैं फतेहपुर एटीएम टाइप करता हूँ। एंड यहाँ से फिर गाइस आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाएंगे और आप यहाँ से जान सकते हैं कि कौन से एटीएम चालू है, कौन से एटीएम बंद है, या कौन से एटीएम कितने बजे तक चालू रहता है, कौन से एटीएम कब बंद हो जाता है, उसका क्लोजर टाइम क्या है। तो ये सारी डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाती है। जैसे कि यहाँ से बैंक ऑफ इंडिया का जो कि एटीएम है, जैसे मैं इसमें क्लिक करूँगा, तो इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको डिटेल मिल जाती है। देखिए गाइस, ये गाइस 24 घंटे जो कि एटीएम चालू रहता है आप देख सकते हैं, और ये फिलहाल अभी इसमें कैश है। आप देखिएगा पूरा डिटेल आपको यहाँ से मिल जाता है। अब गाइस हमें दूसरे एटीएम का लेना है तो मैं इसे इस तरह जो कि स्वाइप करूँगा, एंड इसका भी डिटेल आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम है, ये भी गाइस चालू ही है, आप देख सकते हैं 24 आवर्स चालू ही रहता है। राइट स्वाइप करेंगे तो यहाँ से आपको हर एक जो कि एटीएम्स की डिटेल मिल जाएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम है, ये भी 24 आवर्स जो कि चालू रहता है। तो आप यहां से इस तरह काफ़ी इजीली अपने गूगल मैप के जरिए ही एटीएम्स की सारी डिटेल ले सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन से, ठीक है। अब ये गाइस ये जो एटीएम है, एटीएम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये 6 बजे के बाद जो कि 6 बजे क्लोज़ हो जाता है। तो मतलब आप मान लो कि आप जा रहे हैं 7 बजे, मतलब 8 बजे, और आप इसी क्षेत्र के आसपास इसी एटीएम पे जा रहे हैं और आपको टाइमिंग नहीं पता, तो हो सकता है आप अपना कीमती समय भी वेस्ट कर दें और वहाँ पे आपका काम ना हो। तो आप डायरेक्टली एक बार, जैसे कि आप पैसे निकालने जा रहे हैं, तो एक बार अपने गूगल मैप को ओपन करिए, अपने क्षेत्र का जो भी अपनी सिटी का जो कि नाम टाइप करिए और सिंपल एटीएम टाइप कर दो, पूरी डिटेल आपको आपके मोबाइल से निकल के आ जाती है। तो ये काफ़ी छोटी वीडियोस थी लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इस एटीएम पे जा रहे हैं उसमें कैश है या नहीं, क्या वो एटीएम चालू है या नहीं, ये डिटेल आप इसे गूगल मैप के जरिए निकाल सकते हैं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो कमेंट्स करके जरूर बताना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।